So hello YouTube, this is Alpha Motorcyclist and I welcome you all into another beautiful day. So today is 1st of July 2018 और time हो रहा है 4:20। So काफ़ी humid है अभी. So it rained yesterday, काफ़ी अच्छी तरह से बारिश है. Because of that, the aftermath is that कि बहुत ज़्यादा humidity है और गर्मी कम है बट ठीक है. So ये तो था फिलहाल मौसम का हाल. So मैंने आज किस टॉपिक पे व्लॉग करने का सोचा, दिस इज़ रिगार्डिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग कि मैंने जब अपनी पुरानी बाइक FZ FI version 2.0. सो गाइस, फॉर दोज हु आर न्यू टू माई चैनल, जस्ट लेट मी टेल यू कि आई यूज़ टू ओन FZ FI version 2.0 बिफोर दिस बाइक. बट आफ्टर यू नो हैविंग दिस बाइक, मेरे क्या चेंजेस थे, क्या मुझे मुश्किल पड़ी और कैसी पावर डिफरेंस में मेरे को इशू आया और क्या नहीं आया. सो दिस इज इट. सो राइट नाउ गाइस, आई एम राइडिंग इन दिस स्प्रॉलिंग गार्डन आई कैन से ऑफ JNU. सो दिस इज माय पेट होम, यू कैन से दैट. मैं जब भी आता हूँ कुछ व्लॉग करना होता है या फिर कुछ अलग टाइम अकेले टाइम स्पेंड करना होता है मुझे अपने आप, तो मैं यहाँ पर आराम से आता हूँ और यहाँ पर खो जाता हूँ और इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ. सो फोटोग्राफ्स बीइंग टेकन, कूल. सो गाइस, लेट मी पार्क माय ज्यूस समवेयर ओवर देयर ऑन द लेफ्ट साइड सो दैट मैं आराम से बात कर सकूँ अपनी अपने एक्सपीरियंस और व्हाट एक्चुअल थिंग दैट आई फेल्ट आई कैन शेयर विद यू गाइस. But guys, first let me give you the purview of where I'm standing and where I would be sitting and where I would be talking to you guys. So ये मेरा bag है, मेरे camera का cover और ये मैं, तो मैं आपसे अभी बात करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि what all transitions that I faced, मुश्किलात, गिरना पड़ना and what not. So guys, it was October 2017 when I bought my Zeus, my Duke 200. तो उसके पहले आई यूज़ टू राइड FZ FI version 2.0. यामा की बाइक थी, बहुत नो डाउट स्टिल आई से इट कि बहुत ही स्मूथ बाइक है इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस एंड राइडेबिलिटी. नो डाउट फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी है एंड आई हैव रिडन इट फॉर लाइक 1.5 ईयर्स. बट उसके बाद आई थॉट कि वाई नॉट अपग्रेड टू समवन यू नो समथिंग इन मच बिगर कैपेसिटी एंड KTM हैज़ ऑलवेज बीन ऑन माई प्रायरिटी लिस्ट कि मैं ओन करना चाहता था हमेशा से उसको. तो मैंने सोचा और इन October 2017 आई वेंट टू द KTM शोरूम एंड आई ज़ीरो डाउन अपॉन दिस Zeus इन द बैकड्रॉप ऑफ मी. सो गाइस, फ्यू डेज आफ्टर द डे आई बॉट माय KTM Duke 200 आई वाज वेरी वेरी हैप्पी. सो बेसिकली व्हाट आई डिड कि मैंने अलग से एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाया है बैंक में ताकि मैं मंथली बेसिस पे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके उसमें डाल सकूं सो दैट एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद मैं अपनी बाइक ले सकूं अपनी पुरानी वाली बाइक को सेल करके. सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी आई वॉज राइडिंग, इवन दो मेन मुद्दे की बात ये है कि मैं उसमें से कैसे गिरा. सी आई वॉज राइडिंग 150cc बाइक जो कि जिसकी इतनी ज़्यादा पिकअप नहीं है, तो मेरे जो रिफ्लेक्सेस थे, जो एवरीथिंग माय सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड वाज यू नो कम्प्लीटली इन सिंक विद दैट मशीन. क्योंकि जो मेरे सारे रिफ्लेक्सेस थे, जो मेरा थ्रॉटल जो रिस्ट थ्रॉटल कंट्रोल था रिस्पांस था वो 150cc के मुताबिक था. तो मुझे एक रफ आइडिया था कि शायद जितना मैं 150cc बाइक में थ्रॉटल दूंगा उसी के हिसाब से इसमें सारा का सारा काम होगा. बट एक दिन क्या हुआ कि आई वॉज यू नो ट्राइंग टू टेक ओवर रिक्शा और वहाँ पर थोड़ा सा ग्रेवल था. सो इवन दो मुझे पता है बाइक कैसे राइड करते हैं, लेकिन स्टिल बिकॉज ऑफ माई मिल कैलकुलेशन ऑफ द पिकअप एंड द पावर दैट दिस मशीन प्रोड्यूसेस, मैंने कुछ ज़्यादा थ्रॉटल दे दिया जिसकी वजह से आई वेंट सो क्लोज टू द डिवाइडर और मैं वहाँ पे स्लिप हो गया. सो ये मेरे को सबसे बड़ा मेरे लिए दुख हुआ, मतलब काफ़ी दुख हुआ था मेरे को कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द राइडिंग स्किल्स दैट आई हैड दैट आई माइट हैव एक्वायर्ड ओवर द टाइम, एक छोटी सी मैं चीज़ नहीं संभाल पाया, वो करके नहीं कर पाया. बट सो दिस इज़ द थिंग कि वेन एवर यू स्विच ऑन टू और मे बी यू इफ़ यू अपग्रेड टू अ हायर कैपेसिटी मशीन, अच्छे से मेक योर सेल्फ एक्लेमेटाइज टू इट. क्योंकि हर एक बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है, पिकअप होता है, पावर होता है, ऑब्वियसली क्यूबिक कैपेसिटी के मैटर्स के साथ वो डिफर कर जाता है. सो इवन दो आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट स्पेसिफिकली जो मैं गलियों में राइड करता हूँ, स्ट्रीट्स में राइड करता हूँ,
तो मैं अपनी स्पीड्स कम रखूं, एक सेनेबल लेवल पे रखूं ताकि कोई अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस ना देखने को पड़े. बट स्टिल कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसके लिए यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दोज थिंग्स. सो द बेस्ट थिंग इन योर हैंड्स इज़ टू अपग्रेड और मे बी यू कैन से अपस्किल योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट अपग्रेड, रादर देन कि हम उस पर चढ़ते ही अपनी कलाकारी दिखाना शुरू कर दें जिसका खामियाजा मुझे स्लिप होके भुगतना पड़ा था. तो गाइज आई थिंक कुछ लोगों को ये बात इतनी ज़्यादा सॉलिड प्रूफ ना लगे और लगे कि क्या मतलब कैसी बातें हैं, बट स्टिल आई थॉट कि मैं ये बातें शेयर करूँ और मे बी ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जो अपनी 90cc 100cc की बाइक्स चलाते हैं और ज़्यादा 150 एंड अबव सेगमेंट्स में बढ़ना चाहते हैं और अपग्रेड करना चाहते हैं. एंड गाइज पावर कंट्रोल एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स कंट्रोल, पिकअप कंट्रोल एंड गेटिंग यूज टू इट से मुझे एक और बात याद आई कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि स्पेसिफिकली इफ आई से अबाउट KTMs एंड नॉट स्पेसिफिकली अबाउट KTMs, मे बी दी हायर सेगमेंट बाइक्स, हायर कैपेसिटी बाइक्स की इनको नहीं चलाना चाहिए, ये बहुत खतरनाक होती हैं और ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. आई एग्री विद देम कि अगर इनको सेनली और ढंग से नहीं चलाया जाए सो दे कैन लीड टू ऑल दोज बैड थिंग्स, बट मशीन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द यू नो ऑल द मिसहैप्स, बट एक्चुअली द राइडर हु इज राइडिंग द बाइक इज द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर हिज और हर मिसफॉर्च्यून अनफॉर्चुनेटली. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द फुल कैपेसिटी ऑफ आर बाइक्स, एज इन माई केस जैसे मैंने बताया था कि मेरे जो रिफ्लेक्सेस थे वो 150 सीसी के मुताबिक थे और आई थॉट कि जो मेरा रिस्पॉन्स रहेगा, मेरी जो ब्रेकिंग रहेगी इवन सो टू से वो मैं हैंडल कर लूँगा बेसिकली. बट जब आपकी पैनिक ब्रेकिंग आती है, जब आपकी पैनिक सिचुएशन आती है एंड इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द बाइक सो टू से, तो आप मिसकैलकुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू सी सम अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस. सो अगर हम ढंग से राइड करेंगे, हम सेफली राइड करेंगे, प्रोटेक्टिव गियर के साथ राइड करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे और जो हमारे बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट है वो पहनेंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम कुछ एक लेवल तक अपने आप को बचा सकें. सो गाइस एक क्लीशे हमेशा से बोला जाता है, मैन एंड मशीन कनेक्शन, मैन एंड मशीन कनेक्शन. सो व्हाट इज़ दिस मैन एंड मशीन कनेक्शन? एक्चुअली इट इज़ द एक्चुअल नोइंग ऑफ योर मशीन, वट एवर मशीन दैट यू आर राइडिंग थ्रू एंड थ्रू, सो दैट आप अपने आप को सेव कर सकें इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस. एंड येस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, विथ पावर कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो द मोर पावर यू हैव द मोर रिस्पॉन्सिबल यू हैव टू बिकम. You have to ride it safely, not only for yourself but also for the others who are on the road. हाँ, गिरने से एक और बात बताना चाहता हूँ कि the day I fell from the bike, I felt so dejected, so down कि मुझे लगा कि यार मतलब इतनी जो बाइक चलाई थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैं नई बाइक से स्लिप हो गया और पहली बार स्लिप हो गया अपनी नई बाइक पे, तो ऑब्वियसली ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन this is I had to deal with it. ऑब्वियसली जब हम गिरते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे बाइक से गिरो, चाहे वैसे भी गिरो, या फिर जो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम फील करते हैं कि यार अब क्या होगा, अब ये कैसे करेंगे, हमारा पहला रिकॉर्ड क्या था, अब कैसे है. बट स्टिल अपने आप को आगे बढ़ाना है और नई चीज़ें सीखनी है, स्किलफुल बनाना है अपने आप को. यू हैव टू अपस्किल योर सेल्फ यार, नहीं तो इन सब चीज़ों में अगर हम करेंगे तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा. So guys, that was the little story of mine कि कैसे मैं गिरा और कैसा मैंने उस टाइम पे फील किया और कैसे मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं भाई गिरते पड़ते तो सभी रहते हैं, लेकिन असली मुद्दे की बात यही है कि हम कैसे उससे उभर कर आए और कैसे अपने आप को हमेशा, हिंदी में बोलते हैं ना कौन सी अक्षर है वो, अग्रसर, कीप मूविंग फॉरवर्ड. यस, सो गाइस कंक्लूजन में ये बोलना चाहूँगा कि जब भी इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपग्रेड फ्रॉम योर लोअर कैपेसिटी टू दी हायर कैपेसिटी और मे बी फ्रॉम योर करंट कैपेसिटी टू दी हायर वन, हमेशा एक स्किलफुल तरीके से राइड करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ दिस बाइक और वट एवर बाइक दैट यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग, क्योंकि हर एक बाइक का कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, उसका रिस्पॉन्स अलग होता है और उसकी बोलते हैं ना चाल अलग होती है हिंदी में बात करूँ तो. अगर हम उस छोटी सी चीज़ को समझ पाएँ तो हम काफ़ी लेवल तक एक्सीडेंट्स, फॉल्स, मिसहैपनिंग्स अवॉइड कर सकते हैं, काफ़ी हद तक, नॉट 100% कम्प्लीटली बट हाँ काफ़ी हद तक. सो गाइस आई डोंट नो हाउ दिस व्लॉग इज़ गोना रन, बट आई थॉट कि मैं ये अपना थोड़ा सा जो आप बीती है वो आप सबके साथ शेयर करूँ और एक्सपीरियंस बताऊँ कि हाउ आई फेल्ट. सो गाइस इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप.
And if you still haven't subscribed to my channel, then I urge you to please subscribe to my channel. My channel name is for motorcyclist. दोस्त लोगों, मेरा मेन मोटो ऑफ मोटो व्लॉगिंग यही है कि मैं कनेक्ट कर पाऊँ दोस्तों से, लोगों से, अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाऊँ उनसे, उनकी फीलिंग्स को समझ पाऊँ, काइंड ऑफ अ टू वे कनेक्शन. सो गाइस, इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से, ड्रीम हाई, राइड हार्ड, बट राइड सेफ. बाय द वे, ये मेरे पुराने ग्लव्स हैं जो कि मैं बहुत पहले यूज़ किया करता था, सो अभी मैंने बस निकाल लिए.